शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन, ये बताते हैं यूनिट 1 का है, ये लेसन आपका दूसरा का है। जो लेसन चल रहा है आपका ये 2 है आपका, ठीक है। तो ये लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2 है आपका, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो इसमें एक थे आप लोग पढ़े होंगे, उसका सारे क्वेश्चन आंसर भी कर लिया गया था। तो इसमें जो एक नहीं देखे वो अपना फिर से देख लेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स था, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन किस था, हमने लैंगिक प्रजनन के पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक प्रजनन प्रजनन क्या होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं और कौन से प्रजनन कैसे कार्य करते हैं। तो आज हम जो बात करते हैं कि प्रजनन जो होते हैं पुष्पित पादप में, यहाँ पर दे रहे हो पुष्पी पादप में ही सिर्फ लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन जो चैप्टर ये काफी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो जिस तरह से आपको पुष्पी पादप हम बताएंगे वैसे देखिए आप पूरे किस तरह से आपको देखना है। जैसे होता क्या कि हम लोग काफी इसको अध्ययन करते हैं कि लैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन, कुछ नहीं आपको बताया था तो सब याद होगा कि लैंगिक प्रजनन क्या है, प्रजनन होता क्या है और जनन और प्रजनन है क्या और कितने प्रकार के होते हैं, इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लोरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में आपको लिख देते हैं। इसके बाद पहले आपको बताएंगे, पहले लिख देते हैं इसके बाद हम समझा देते हैं, सब संभव नहीं है लिखना लेकिन हम आपको लिख देते हैं, इसमें आप याद कर लीजिएगा और इसका जो ग्राफ होगा पिक्चर होगा हम आपको दर्शा देंगे। तो लिख देते हैं जल्दी से और उसके बाद आप देख लीजिए कि सेक्सुअल जीव का आकर्षण, ये हो जाएगा आकर्षण रंग, ये जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पुष्प आवृत बीजों का आकर्षण रंग के बारे में। तो पहले हम इसके आकर्षण रंग के बारे में पढ़ लेते हैं, तो फिर इसके बाद जैसे जैसे हम लोग हेडिंग करके छोटा छोटा करके हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। छोटा छोटा हेडिंग करा देते हैं और जल्दी ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो पुष्प आवृत बीजों का आकर्षण रंग, जैसे पुष्प पहले था तो आवृत बीज आपको बताएंगे, आवृत बीज के पहले ही हम चर्चा कर लिया। तो पुष्प आवृत बीज का जो आकर्षण रंग वो किस तरह था, पुष्प जो था वो आकर्षक रंग क्यों बना, आकर्षक क्यों बना पुष्प जो था, आपको आवृत बीज के आकर्षक रंग के बारे में पढ़ते हैं। तो पुष्प जो था कई प्रकार से आकर्षक बोला गया, यानी पुष्प जो पुराने जमाने के अनुसार नए जमाने किसी भी आप काल में देखेगा तो पुष्प जो था उसके सुगंध से सराहा जाता है, सुगंध जो होता है उससे सराहा जाता है, उसके जो देखने का क्वालिटी होता है यानी उसके आकार रंग ये इत्यादि के लिए सराहा जाता है। अब बात करते हैं कि पुष्प का जो है वो किस तरह से सराहा जाता है, तो बहुत सारे ये हमने बताया कि आकर्षक और रंग सराहा जाता है, लेकिन देखिए पुष्प जो था वो आपको धार्मिक काम पर, फिर आपको जो एक और भी पूजा पाठ का होता था जैसे गांव में हो गया खुशी में हो गया इत्यादि में ये सारे फूल पुष्प का हम लोग प्रयोग करते हैं और इसके इसी के चलते क्या होता था इसको सराहा जाता था। जैसे बहुत लोग देखेगा फूल को ऐसी खुशी में भी यूज करते हैं, फिर गम में भी यूज करते हैं, उल्लास में भी यूज करते हैं, ऐसे कई जगह पर पुष्प का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो पुष्प का प्रयोग हम लोग करते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो आपको सिंपल बताएंगे आकार कई सारे पुष्प का होते हैं, कई सारे रंग होते हैं उसके, सब अलग अलग होते हैं और थोड़ा सा लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिख देते हैं उसको हम बताते हैं, तो हमने इसको नोट कर दिया। अब देखिए पुष्प जो था पुष्प आवृत बीजों का आकर्षण रंग, ये हेडिंग हमने बताया था कि हम हेडिंग कर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और पूरे एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता है, लेकिन जितने ये हम आपको इसके बारे में एक बुट आप डायरेक्ट लिखते हैं, हम बोलकर लिखवाते हैं अगर, तो आप उसको एक पना दो पना भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं आप समझ जाइए अपना से अपना मेथड में लिखिएगा, आप अपना मेथड लगाइएगा, हम आपको जो बता रहे हैं वो ठीक है लेकिन कुछ अपना भी मेथड लगाना है, जैसे हम पूरी समझाते हैं एक्सप्लेन करा रहे हैं इसका डिफिनेशन भी लिखवा दे रहे हैं, लेकिन जो आप लिखेगा अपनी भाषा में लिखेगा और अपनी भाषा में लिखेगा तो जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको संतुष्टि होगा और देखेगा कि बच्चा अपना भाव में लिखा है, इससे पूरी नंबर मिलने के चांस होते हैं। इस तरह देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपका हेडिंग हो गया अब रिलेशन 2 पर ध्यान रखना, ये आपका जो है बायो का है, हमने बताया था कि बायो का जो पार्ट है ये दूसरा का पार्ट है, ये आपका जो बायो का कौन सा पार्ट है
ये सेकंड वाला पार्ट है, यूनिट वन ही चल रहा है लेकिन पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का आप लोग देखते हैं हेडिंग वन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स है जो पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन देख रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पुष्प आवृत बीजों का आकर्षण कर, ये जो हेडिंग हो गया पुष्प आवृत बीजों का आकर्षण कर, आकर्षक रंग के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पुष्प विभिन्न रूप आकार सुगंध मधुरस, ये हमने लिख दिया कि आप नोट कर लीजिएगा और अपना फेयर भी बनाइएगा कि भविष्य में काम करेगा। और जब एग्जाम जब नजदीक आ जाए, एग्जाम जब आपके पास आ जाएगा तो आप अपने विचार से किस तरह से लिखेगा एग्जाम के बारे में बात करेंगे, पहले अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ से पुष्प जो था, पुष्प विभिन्न रूप आकार सुगंध मधुर, अभी आपको बताएं कि पुष्प जो है विभिन्न आकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रूप उसका सुगंध मधुरस व रंग के बने होते हैं। पुष्प जो बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं, तो विभिन्न उसका रूप होता है, विभिन्न आकार होते हैं, मधुरस होते हैं, उसका रंग होते हैं, इत्यादि से पुष्प बने होते हैं। आप पुष्प देख लीजिए, हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं जब लैब कराएंगे। इसके पहले मैं लैब हम कराते हैं आपको, जो आपके पीछे वाले जो था उसका हम लैब कराते हैं, जो पत्ती का था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में और डीएनए के बारे में, इसका लैब हम करा चुके हैं। तो इस तरीका से पुष्प विभिन्न रूप आकार के सुगंध मधुरस, समझ में आ रहा है, हम बार बार रिपीटेशन इसलिए करें कि आपको याद हो जाए और याद करने में कठिनाई नहीं होती, आप ध्यान से देखिएगा, कंडीशन दिमाग करके आप देखेगा आपको 100% है कि याद हो जाएगा। तो ये जो पुष्प होते हैं विभिन्न रूप आकार सुगंध मधुर व रंग के बने होते हैं, अभी आप समझ गए, उनकी सुगंध आकर्षक रंग खुशबू आदि के लिए क्या क्या सराहा जाता है। हम आपको अभी बताएं कि इनको सराहा किस लिए जाता है, तो सुगंध होना चाहिए उसमें, और सुगंध के बाद उसमें जो जितने क्वालिटी होनी चाहिए होनी चाहिए, एक फूल में जो क्वालिटी होते हैं वो होनी चाहिए। क्या 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 चीज क्वालिटी होते हैं, तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया, आकर्षक होता है सुगंध, वो तो हो गया करता है उसमें, आकर्षक होता है, रंग होता है और खुशबूदार भी होता है, इसलिए उनको सराहा जाता है। तो आप इसे समझिए कि ये जो फूल होते हैं ये इनमें इतने क्वालिटी होते हैं, यानी आपको भी सराहा जाएगा तो आपके पास भी क्वालिटी होना चाहिए, आपके पास अगर क्वालिटी नहीं होगा तो आपको भी सराहा नहीं जाएगा। तो एक पुष्प से आपको सीखना चाहिए कि क्वालिटी किस तरह से, हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए, लिखने का क्वालिटी, बोलने का क्वालिटी, सुनने का क्वालिटी, किस तरह से हम पढ़ेंगे पढ़ने का क्वालिटी भी होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी होता है तो आप जिस तरह से लिखिएगा, जिस तरह से पढ़िएगा, लोग फॉलो करेंगे, यानी आपको देख के लोग उस तरह से बनने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहिएगा तभी हम बनना चाहेंगे। तो इस तरीके से उनकी सुगंध आकर्षक रंग खुशबू आदि के लिए सराहा जाता है। अभी आपको हमने बताया है कि ये जो रंग के बने होते हैं, सुगंध के बने होते हैं, खुशबू गुजार बने होते हैं, या कैसे बने होते हैं, आप पुष्प के बारे में समझिए, पुष्प क्या होते हैं आप बताइएगा, पुष्प क्या है, तो विभिन्न रूप आकार सुगंध मधुरस के बने होते हैं, इसलिए हम उसको पुष्प करते हैं। तो पुष्प क्या है, पुष्प का डिफिनेशन हम कैसे बताएंगे, उसी को बता देंगे। पुष्प जो हो विभिन्न रूप आकार सुगंध मधुरस रंग के बने होते हैं, जिसे हम पुष्प कहते हैं। तो पुष्प किसे कहते हैं, आपको उसी को बता देना है कि मधुरस रंग आकार खुशबूदार, या जितने आप उसके पुष्प का क्वालिटी होता है, आप पुष्प एक ले लीजिएगा, पुष्प लेके उसको देखिएगा, सुगंध करके कलर करके उसको पूरी अच्छी तरह से उसको प्रयोग कर लीजिए, उसमें क्या क्या चीज क्वालिटी है आप उसको देखिए, आप अपना से देखिए क्वालिटी, अपना से जब क्वालिटी देखेगा खुद आपको याद रहेगा, 100% याद रहेगा। तो इस तरह पुष्प क्या है आप उसको बता सकते हैं, डाउट किसी को, चलिए यहाँ पर अब उनको सराहा जाता है, कैसे आकर्षक रंग खुशबू आदि इसके लिए सराहा जाता है, सराहना भी हो गया, यानी इत्यादि इतना लिखेगा तो आपको डिफिनेशन 100% कन्फर्म। आगे दूसरा क्या हेडिंग, जो दूसरा हेडिंग हम यहाँ पर देखा इसके था लैंगिक प्रजनन, लैंगिक लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको अब दूसरा हेडिंग यहां पर नोट करेंगे, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दूसरा का आपका जो हेडिंग आ गया, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग लैंगिक प्रजनन जितने कायिक प्रजनन था, जितने प्रजनन था हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी लैंगिक प्रजनन की चर्चा करना है, क्यों, क्योंकि पुष्पी पादप पर इसमें थोड़ा सा लैंगिक प्रजनन हम चर्चा करेंगे, इसका जो डिफिनेशन होता है किस तरह से होता है हम यहाँ पर नोट करते हैं उसको। तो चलिए इसमें अभी आपको बताएं कि होता क्या है, यहाँ से चलते हैं, तो इसमें आपका पुष्प का आवृत बीजन था, आकर्षक रंग का था, पुष्प विभिन्न आकार का था, सुगंध था, मधुरस था, रंग के बने होते हैं, सुगंध आकर्षक था, ये सारे चीज हम देखे थे।
लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, लैंगिक प्रजनन में अवृत युग्मक का निर्माण था। यहाँ से हम फिर चर्चा करते हैं कि जो लैंगिक प्रजनन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन में अवृत युग्मक का निर्माण होता है। किसका? अवृत युग्मक का निर्माण होता है। इसमें ये युग्मक जो होता है आपस में संयोजित होकर द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं। ये लैंगिक प्रजनन जो होता है, लैंगिक प्रजनन में अवृत युग्मक का निर्माण होता है। ये युग्मक आपस में संयोजित होकर द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं और ये युग्मक जो होता है विकसित होकर नए संतति का निर्माण करते हैं। और ये जब युग्मक होता है, जब विकसित होता है, तो एक नए संतति का निर्माण करते हैं। तो ये जब नए संतति का निर्माण करते हैं तो इसमें साथ ही लघु बीजाणु जो होते हैं, लघु बीजाणु हो गया, पुंकेसर हो गया, फराकण हो गया, ये पुष्प जिसमें नर का प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, इसमें जो पुष्प होते हैं ये पुष्प का नर प्रजनन जो अंग होता है वो होता है पुंकेसर होता है। अब ये होता है कि जो पुंकेसर होते हैं वो प्रत्येक पुंकेसर क्या है, तो प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। जितने पुंकेसर होते हैं पुंकेसर के दो भाग होते हैं। तो ये आपका नर प्रजनन मादा प्रजनन देखेंगे तो ये आपका नर अंग है। तो नर प्रजनन अंग में जो ये भाग होता है वो पुंकेसर का भाग होता है। तो पुंकेसर के जितने भाग होते हैं, किसी भी प्रकार के पुंकेसर अगर आता है तो प्रत्येक पुंकेसर के दो दो भाग होते हैं। अब प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक में आपका होता है वृद्ध तंतु और दूसरा में होता है पराकोष। एक में हो जाता है आपका वृद्ध तंतु और दूसरा में हो जाता है आपका पराकोष। तो एक जो वृद्ध तंतु है उसको देखेंगे। वृद्ध तंतु यहाँ होता है, ये बंजर लंबी धागे नुमा संरचना होती है। ये जो वृद्ध तंतु होती है ये बंजर आपको होता है, लंबी होते हैं, धागे नुमा, जो धागा क्या करके धागे नुमा होती है, और ये संरचना आपको उसी तरह से धागे नुमा की तरह होती है। यानी वृद्ध तंतु बोलेंगे या बंजर लंबी धागे नुमा संरचना की होती है। पराकोष की बात करते हैं, यह लघु ये आपको होता है, तो ये लघु बीजाणु जैसा होता है उसे उसी का आकार दिए बनाए रहते हैं। लघु बीजाणु की भी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पराकोष होता है, तो ये घुंडी नुमा जो होते हैं, ये आपका देखिएगा जो पराकोष का ऐसे लिएगा तो इस पे आपका गोल घुंडी नुमा जैसा आपको ये संरचना दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये आपको बन गया और ऐसे आपको देखिएगा घुंडी नुमा जैसे घुमा रह गया, आपको संरचना जो होता है ये घुंडी नुमा होता है। हम इसका फिगर आपको बनाकर दिखाते हैं। तो ये जो होता है घुंडी नुमा, शीर्ष पर पाए जाने वाली पुंकेसर का जो जनन सक्षम होते हैं वो संरचना पराकोष, यही आपको घुंडी नुमा होता है। और ये जनन जो सक्षम करता है ये आपका, यही संरचना पराकोष की संरचना होता है। तो ये घुंडी नुमा जो शीर्ष पर पाए जाने वाले ये आपको उसी पर पाए जाते हैं। हम इसका वो आपको दिखाते हैं जो पराकोष होता है, उसको हम दिखाते हैं आपको। तो ये जो पराकोष होते हैं, तो ये घुंडी नुमा होता है, शीर्ष पर पाए जाने वाले शीर्ष होता है, पाए जाने वाले पुंकेसर का जनन जो जनन सक्षम होता है वो संरचना पराकोष में होता है। जो जितने जनन क्षम है आपका, यानी जनन सक्षम जितने आपका पराकोष होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये आपका अलग था, ये शीर्ष पर गुंडी नुमा होते हैं और सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो शीर्ष पर पाए जाने वाले पुंकेसर का जनन क्षम है, ये संरचना आपको अलग होती है, ये पराकोष की संरचना होती है। अब आता है इसमें कि ये जो आपका घुंडी नुमा होता है पराकोष की संरचना होती है। तो पराकोष की संरचना देखेंगे तो पराकोष की संरचना जो होती है, पुंकेसर का अग्रभाग फूला हुआ भाग होता है। आप जानते हैं कि जो पुंकेसर का अग्रभाग होता है वो अग्रभाग जो होता है फूला हुआ होता है, यानी पराकोष कहलाता है, उसको हम पराकोष भी कहते हैं। तो पराकोष कहलाता है, इसमें दो लगातार होते हैं, ये समांतर तौर पर हम देखेंगे, इसमें दो समांतर तौर पर एक समान लगभग बेलना का दो तिलिया होती है। जैसे होता क्या है कि दो समांतर अगर एक समान लगभग होते हैं तो बेलना का दो उसमें तिली होती है, और वो दोनों जो पाली के अंतर्गत बांटा गया था तो दो पाली में उसको रखा जाता है। दोनों पालियों के सामने की तरफ जो होते हैं, सामने की तरफ एक गहरे खाच द्वारा अलग होते हैं, जो सामने वाला होते हैं एक गहरे खाच द्वारा क्या कहते हैं उसको अलग कर देते हैं, अलग होते हैं। अब पीछे की तरफ से जो होती है वो मोटी पत्ती की होती है, जो पीछे की तरफ से होती है वो मोटी पत्ती की होती है। और बंजर उत्तक पर ये देखिए होता क्या है कि ये बंजर जब होता है तो बंजर उत्तक की बनी होती है, जो ये क्या होता है जड़ से होते हैं, यानी बंजर उत्तक बनी होती है और जड़ से जुड़ी होती है। इसमें जो योजी होती है संरचना एक बनती है, यानी जो बंजर की बनी होती है और जिससे जुड़े रहते हैं, जड़ से जुड़े रहते हैं, उसको योजी भी कहा जाता है, यानी हम लोग आमतौर पर उसे बोलते हैं संयोजी। तो संयोजी उत्तक से लंबे होकर वो पाली में दूसरे एक पाली से दूसरे पाली तक वो चली जाती है, और वहां से जब जाती है तो दृष्टकोशी जो होता है, हम द्विकोष्ठी बोलते हैं, वहां के निर्माण करते हैं।
पराकोष में एक द्विकोष्ठी का निर्माण करती है वहां से, और प्रत्येक पराकोष में जो पाली होते हैं वो दो प्रकोष्ठ में होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रत्येक पराकोष होते हैं उसमें जो प्रायः प्रकोष्ठ की जो होते हैं वो दो प्रकोष्ठ होते हैं, जैसे परागधनी में हो गया, या फिर जैसे क्वेश्चन परागधनी या क्या है लघु बीजाणु का, तो आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें दो प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागधानी भी हम लोग कह सकते हैं, उसे परागधनी कहते हैं। परागधनी क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा प्रत्येक पराकोष में जो आपका क्या होता है प्रकोष्ठ होते हैं, कितने दो प्रकोष्ठ होते हैं उसे परागधानी कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि परागधानी में कि उसके जो अंदर होते हैं वो लघु बीजाणु गुणन करता है, और लघु बीजाणु गुणन के द्वारा अगुणित और लघु बीजाणु या पराग कण का निर्माण होता है। जो आपको लघु बीजाणु के बता रहे हैं तो उसके अंदर लघु बीजाणु गुणन करता है कार्य, और उसके द्वारा अगुणित होता है, और साथ ही लघु बीजाणु के चलते वो परागण के निर्माण करता है, और एक पाली से वो परागधानियां होती है और दूसरा का पराग उसमें चार परागधानियां होती है, और ये अंत में जाके दोनों परागधानियां वापस में मिल जाती है। तो इस तरह से परागधानियां क्या आपकी होती है। अब बात करते हैं कि जो परागधानी होते हैं तो लघु बीजाणु के हम लोग संरचना देख लेंगे लघु बीजाणु से, इसके बाद